गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो ये क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, अपने पास दो बीकर हैं। पहले बीकर में अपने पास क्या यूरिया है, इसका अपना एक मोल लिया आपने, इसको आपने डिजोल्व किया, तो डिजोल्व करने पर यूरिया का अपने को एक ही मोल मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसको जैसे ही आपने वाटर में डिजोल्व किया, तो इस NaCl के एक मोल से अपने पास दो मोल मिलते हैं, एक तो Na प्लस मिलता है, एक अपने पास क्या होता है Cl माइनस आयन मिलता है, ठीक है। यूरिया को डिजोल्व करने पर यूरिया का एक मोल एक ही मोल दे रहा है, जबकि NaCl के एक मोल को डिजोल्व करने पर अपने पास दो मोल मिल रहे हैं, एक Na प्लस मिल रहा है, एक अपने पास क्या है Cl माइनस मिल रहा है। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर आपकी डिपेंड करती है, इसका मतलब ये हुआ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है या फिर वोलाटाइल है, जितने नंबर ऑफ आयंस डिजोल्व करने पर मिलते हैं उसी हिसाब से आपका मॉलिकुलर मास क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर NaCl का जो आपका मॉलिकुलर मास दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्यों, मॉलिक्यूल के अपने पास दो मॉलिक्यूल हैं, जबकि यहाँ पर कितना अपने पास एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सिंपल आप बोल सकते हो मोलर मास होगा वो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्या है डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे मोलर मास की आपकी उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी। और ये हम पढ़ चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP का मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो मोलर मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CP एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा अपने को ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसी भी कंपाउंड को डिजोल्व करने पर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है मोलर मास डिक्रीज होगा, जिसे क्या बोलते हैं डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके इंक्रीज होते हैं, तो जैसे जैसे पार्टिकल इंक्रीज होंगे मोलर मास क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। एक होता है एसोसिएशन, इसका मतलब ऐसे होता है जैसे अपने पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे ही आपने इनको एसोसिएट किया दोनों आपस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, जिससे क्या होता है आपका एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं आपके डिक्रीज हो रहे हैं, पहले कितने थे दो थे, अभी कितना हो गया आपका एक, इसका मतलब मोलर मास क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो एसोसिएशन पर तो इंक्रीज होगा, जबकि डिसोसिएशन पर क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। अब वॉन्ट है फैक्टर पढ़ते हैं, तो देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, अपनी जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे वो उसका रेशियो और थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका रेशियो क्या होता है आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, या इसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो देखो आयोटा मतलब आई बेंट ऑफ फैक्टर के सभी फॉर्मूले सेम है, ध्यान रखना है मोलर मास उल्टा होगा, बाकी जितनी भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सब क्या होंगी आपकी सेम होंगी। तो देखो ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ा हमने, तो ऑब्जर्व वैल्यू ऊपर, नीचे कौन सी आएगी कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, सेम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपकी ऑब्जर्व नीचे कैलकुलेटेड ऑब्जर्व ऊपर और थ्योरेटिकल नीचे, डेल्टा TF भी आपका सेम होगा। मोलर मास क्या होता है इसका उल्टा होगा, कैलकुलेटेड ऊपर आएगा जबकि ऑब्जर्व कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर के आप क्या करना है, जितनी भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ठीक है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहली कौन सी थी अपने पास PA0 PS, तो अपने को बस आई यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, इन सब में बाकी आपका सेम रहेगा। अब आई कैसे निकालते हैं वो अपने को चेक करना है, तो पहली अपनी एडिंग है रिलेशन बिटवीन वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड DOD का मतलब क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, DOD का मतलब क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो अपने पास पहले एक मॉलिक्यूल था, डिसोसिएशन का मतलब होता है डिजोल्व करने पर वो क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट जाता है, तो एक था एंड पार्टिकल में टूट गया, ये 1 T = 0 पर ये कितना होगा 0, 1 - α तो ये कितना बनेगा आपका n α, ठीक है। टोटल मोल निकाले इनको ऐड किया तो कितना आया 1 + α n - 1। अभी हमने आई क्या पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो टोटल कितना है ये, इसकी वैल्यू आपने यहाँ रखी। नीचे क्या आता है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, कितने हैं देखो आप टूटने से पहले कितना एक ही अपने पास 1 + 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आई कितना आया 1 + α n - 1, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया आपका i - 1 / n - 1। ध्यान रखना है
डिसोसिएशन की कंडीशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है जो आपकी आई की वैल्यू है ना हमेशा वन से बड़ी होगी, ठीक है। जबकि एसोसिएशन में क्या होगा, आपका आई की वैल्यू क्या होगी, वन से छोटी होगी, ठीक है। अब हमने मान लिया आपका जो सॉल्यूट है ना वो कम्प्लीटली आपका डिजोल्व है, अल्फा कितना होगा आपका 100%, मतलब वन होगा आपका। यहाँ आपने वन रखा तो यहाँ से कितना है एन, इसका मतलब यदि आपका सॉल्यूट कम्प्लीट डिजोल्व है ना तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही क्या होगा आपका आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा। जैसे अपने पास NaCl है, Na+Cl-2n मिलेंगे कब, जब ये कंप्लीट आपका डिजोल्व होगा। AlCl3 में एक Al, तीन Cl, टोटल कितने हुए, चार। इसमें चार तो K प्लस है अपने, एक टूटे कैसे अपने पास 4K+, दूसरा क्या होगा आपका FeCn4-, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल चार के हैं, टोटल कितना हुआ पांच, ठीक है। जैसे पहला अपना न्यूमेरिकल है K4FeCn6.1m सॉल्यूशन है, जिसके लिए आपको ये बोला है अल्फा कितना है 46 आपका आयनाइज हो रहा है, तो आपसे बोला है पाई निकालो। अल्फा कितना है 46, मतलब 0.46। एन बराबर 5, कैसे आया 4 तो के हैं, एक कॉम्प्लेक्स, टोटल कितना हुआ 5। टी की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। आई कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन में कैसे निकालते हैं, 1+α(n-1), इन सब की वैल्यू रखी तो यहाँ से आपका आई कितना आया 2.84। अब ध्यान रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको हमेशा जो मैंने आपको दिखाए फॉर्मूले ये आपको हमेशा यूज करने हैं, चाहे भले आपका वोलाटाइल है, चाहे भले आपका सॉल्यूट क्या है नॉन वोलाटाइल है। यदि आपका सॉल्यूट क्या हुआ वोलाटाइल तो इसमें आई आपका चेंज होगा, यदि आपका क्या हुआ नॉन वाला तो यहाँ पर आई कितना होगा वन, ठीक है। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूले यूज करने हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होने पर आई कितना होगा आपका हमेशा वन हो जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही ये तो अपने पास वोलाटाइल है तो आपका आई यूज करना, अपने को तो आई CRT आई की वैल्यू निकाल चुके हैं, सॉल्व किया तो कितना आया आपका 6.988 atm, ठीक है ठीक है। अब दूसरी अपनी एडिंग है रिलेशन बिटवीन वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड DOA, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पहले ज्यादा होते हैं, बाद में क्या होते हैं आपस में एसोसिएट होते हैं। तो देखो अपने पास Na पार्टिकल थे, वापस में आपस में जुड़ गए, ठीक है। ये जीरो, ये वन, तो ये जीरो, ये वन माइनस बीटा, आप यहाँ पे अल्फा भी मान सकते हो, DOA को मैं बीटा मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बीटा अपॉन एन, क्यों, यहाँ पे आपका एन है नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो एन आया, आई निकाला तो कितना आया आपका, ये आई कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल हो गए, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, बिफोर से मतलब इनिशियल में कितने हैं, वन के वन है तो ये वन हुआ। इसको सॉल्व किया तो आई कितना आया वन माइनस, ये आपको ध्यान रखना है एसोसिएशन कंडीशन में, वन माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन एन, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो आई बीटा कितना आया, ये वाला फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ डिसोसिएशन की कंडीशन में आई की वैल्यू आपकी वन से ज़्यादा होगी, जबकि एसोसिएशन कंडीशन में आई की वैल्यू क्या होगी आपकी वन से कम होगी, ठीक है। अब एक इसमें एक नोट ध्यान रखना है, डाई आइसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो देखो ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं वाटर के मेल्टिंग पॉइंट, क्या एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं डाई आइसिंग एजेंट। जैसे NaCl CaCl2 है, आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे है ना, बर्फ जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ पे क्या सड़क आपकी बर्फ से पूरी ऑक्यूपाई हो जाती है, तो वहाँ ठंडे प्रदेशों में बर्फ को हटाने के लिए क्या है ये कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है, NaCl एंड CaCl2, ठीक है। काम क्या है, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन अगला है, ऐसे क्वेश्चन जनरली ना ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, आपको ये बोला है अपने को ना पॉइंट ऑफ फैक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। NaCl बोला है कंप्लीट आयनाइज है, इसका मतलब अपने पास यहाँ पे पार्टिकल कितने होंगे, दो होंगे। ये बोला है ये 50% ही है, चार तो यहाँ से, एक यहाँ से, पांच, और पांच का आधा हो रहा है तो कितना हुआ आपका ये 2.5 पार्टिकल मिलेंगे अपने को यहाँ से। एसीटोन तो बोला ही नहीं है, ये तो नॉन वोलेटाइल है आपका, इसका मतलब पार्टिकल कितना होगा आपका यहाँ वन होगा। देखो बेंजोइक एसिड के बन है, ये डाइमर बना रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे तो आपके नंबर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब तो आपका और भी कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने, एक यहाँ पे Al और तीन यहाँ पे Cl, टोटल कितने हुए चार। तो देखो जब भी आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाले ना, तो ध्यान रखना जहाँ पे डाइमर स्ट्रक्चर बनती है, मतलब जितने भी आपके एसिड के बने जनरली उनका आई हमेशा सबसे कम होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा फोर्थ। उसके बाद देखो एसीटोन क्या है, नॉन वोलाटाइल, इसका पार्टिकल कितना, एक,
तो थर्ड आ गया, उसके बाद दो आपके यहाँ मिल रहे हैं फर्स्ट आ गया, फिर ढाई यहाँ मिल रहा है, फिर सेकंड आ गया, सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं फोर्थ में, क्योंकि यहाँ चार हैं आपका ट्री ऑफ फोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास ये है, ये बोला है इनको अपने को ना बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। दो एन ए के एक एस ओ, टोटल कितने हुए तीन, क्यों? देखो सब में मोलरिटी क्या है आपकी, सब में सेम है, एक एन ए प्लस एक सी एल माइनस, टोटल कितने हुए दो। ग्लूकोज तो आपका नॉन वोलाटाइल है, एक ही पार्टिकल मिलेगा, दो यहाँ से ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस, ठीक है, और तीन, टोटल कितने हुए पाँच। सबसे कम कहाँ पर है सी में, उसके बाद फिर कहाँ पर है बी में, फिर ए में, लास्ट में कौन सा आएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपने बोला है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड है जिसको आपने डिजोल्व किया 20 ग्राम बेंजीन में, तो आपका डेल्टा टी एफ इतना हुआ, तो आपसे बोला है डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालो आप, यदि बेंजीन के लिए आपको के एफ की वैल्यू इतनी की बने, ठीक है, और बेंजीन का मॉलिकुलर मास कितना होता है 122 होता है। ठीक है, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो आप, ठीक है, इसको बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, ये है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और करो एक बार, ठीक है, जैसे अपने पास ये दो क्वेश्चन है, तीन है, ये भी आपको खुद को करने हैं। आपने क्या किया, आपके पास ऐसा क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं जहां पे अपना आंसर कितना आया था, सल्फर का एसिड आया था, ठीक है, सेम ऐसा ही है, 30 ग्राम फॉस्फोर एसिड जिसको क्या किया आपने 300 ग्राम CH2 में डिजोल्व किया, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और आपको जो जो वैल्यू गिवन है इसमें, ठीक है, ये दे रखी है, तो ये अपने क्वेश्चन करना है, नीचे वाला भी अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है, एक थर्ड वाला भी अपने पास है, ये भी अपने को करना है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी करना है, ठीक है, थोड़ा सिंपल नहीं है इतना, ठीक है, टफ है, हालांकि ये अपनी है ना PDF में नहीं है, तो आपको इनको नोट्स में भी लिखना है, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर का, बाकी ये चैप्टर खत्म है अपना, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, तो देखो आपको इसमें पहले ध्यान रखना है, अच्छा ये टॉपिक अपने को है ना PDF में है नहीं, तो इसको भी लिखना आपको फेयर में आपकी में, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है एक बाइनरी सॉल्यूशन गिवन होगा जिसमें आपका सॉल्यूट भी क्या होगा लिक्विड फेज में होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा आपका लिक्विड फेज में होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में यदि आपकी सेम है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और जिनकी मोल फ्रैक्शन सेम होती हैं उनका पार्शियल डिस्टिलेशन क्या होता है पॉसिबल नहीं होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो लिक्विड फेज होती है ना इन दोनों का आपका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका सेम हो जाता है, ठीक है, ऐसे मिक्सचर जिनमें एक लिक्विड और वेपर दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं सेम हो जाते हैं, यदि किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन आपके सेम हैं लिक्विड फेज में और वेपर फेज में तो उनको हम डिस्टिलाइज नहीं कर सकते, मतलब उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, इनका ध्यान रखना है जो मिक्सचर होता है इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे दोनों क्या होते हैं बॉयल होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है, जैसे अपने पास वाटर के बने, इस वाटर में क्या किया आपने इथाइल एल्कोहल को डिजोल्व कर दिया, तो ध्यान रखना है वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन टेम्परेचर, जबकि इथाइल एल्कोहल कितना होता है आपका 353 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, जब दोनों को हम डिजोल्व करते हैं ना तो दोनों क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होते हैं उबाल या बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 351 के आसपास होती है, ठीक है, ये दोनों का कॉमन है, ये अपने को ध्यान रखना है। वापस इसके अपने पास दो पार्ट हैं, एक तो आपका है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो इसमें ध्यान रखना है मिनिमम वाले में आपका क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है, और पॉजिटिव होगा इसका मतलब अपने पास क्या गिवन होगा यहाँ पे आपको एल्कोहल गिवन होगा, ठीक है, तो इसमें ये गिवन है, इसका एग्जांपल 95% एथेनॉल प्लस 5% वाटर, ये किसका आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा आपका नेगेटिव डेविएशन होगा, तो ध्यान रखना है नेगेटिव डेविएशन है इसका मतलब जो आपका रिजल्टेंट है ना उसका रिजल्टेंट मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उनके कंपोनेंट से क्या होगा ज्यादा होगा, एग्जांपल 68% नाइट्रिक एसिड प्लस H2, और मैंने बोला भी था एसिड जितने भी होते हैं सब में क्या होता है आपका नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है।
एक बार इसको देख लो, ठीक है? ये आपने वो फेयर में लिखना है, मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ इसको, ठीक है? तो अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है? अब अपने क्वेश्चन करने हैं जेई और नीट के, तो उसके लिए मैं 15-20 क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाऊंगा। उनमें से सिर्फ 8 या 10 के मैं आपको ना सोल्यूशन बताऊंगा, बाकी के सोल्यूशन खुद को करना है, ठीक है? लास्ट के 3 न्यूमेरिकल जो आपको दिए हैं ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इनके आंसर बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है? नहीं आए तो, और लास्ट वाला कौन सा है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। थैंक यू।